Assalamu alaikum and welcome to the first introductory lecture on Java programming. आज से हम Java programming शुरू कर रहे हैं और Java programming जो कि एक बहुत ही important subject है. आप लोगों ने first semester में C, C++ पढ़ा है और अब हम Java को cover करने जा रहे हैं. So this will be an introductory lecture. इसमें हम खाली introduction लेंगे. What is Java? इसके मुतालिक और ये इंट्रोडक्शन दूसरे लेक्चर इसका मैं एक दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा उसमें भी ये चलेगा. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट जो टॉपिक्स इसमें हम कवर करने जा रहे हैं दैट आर व्हाट इज जावा. तो जावा क्या है, ये जैसे आप लोगों ने सी पढ़ा, सी प्लस प्लस पढ़ा, वैसे ही जावा भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लेकिन ये किस किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो हम देखेंगे इसमें. देन व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ जावा, जावा के क्या प्रोमिनेंट फीचर्स है, इसके कुछ यूजेज स्टैटिस्टिक्स हम ये जानेंगे कि जावा कहाँ कहाँ पे यूज होता है, कितनी फेमस लैंग्वेज है. और देन वी विल नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जावा. तो ये जावा जो इस वक्त अराइव हुई लैंग्वेज, ये लैंग्वेज कैसे आई और ये लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब हम इसमें देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज जावा. तो जावा क्या है और ये लैंग्वेज कहाँ से वजूद में आ गई, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट वो जानेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से. अदरवाइज रेस्ट वी हैव टू गो फॉर द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. जो आगे हमें पढ़ना है वो सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन फर्स्ट वी विल गो फॉर जावा इंट्रोडक्शन. सो व्हाट इज जावा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जावा. सो जावा इज First, it is a general purpose, platform independent, concurrent, very fast, object oriented programming language. And that was released by Sun Microsystems in the year 1995. तो ये जावा की सिंपल डेफिनेशन है. अगर कोई पूछे व्हाट इज ए जावा, तो इस जावा की डेफिनेशन में ही कुछ फीचर्स है इस लैंग्वेज के, कि ये लैंग्वेज क्या है और इसका मकसद क्या है, इस लैंग्वेज के जरिए हम क्या अचीव कर सकते हैं, ये किस नवियत की लैंग्वेज है, किस किस्म की लैंग्वेज है, तो वो हम इसी में देख सकते हैं. सो फर्स्ट इट इज ए जनरल पर्पस लैंग्वेज. तो जनरल पर्पस लैंग्वेज का मतलब ये है कि ऐसी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में तो ये किस किस्म की लैंग्वेज है वो सारा इसी डेफिनेशन में पता चलता है. तो चलिए इस डेफिनेशन को पहले समझते हैं. फर्स्ट जो इसमें टॉपिक है, जो टर्म इसमें आती है कि जावा इज ए जनरल पर्पस. सो फर्स्ट व्हाट इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जनरल पर्पस का मतलब ये है जो कि मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्राम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. तो A general purpose language is one that is designed to be used for writing software in a wide variety of application domains. तो अगर आप देखोगे हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी आते हैं, वो मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी आते हैं, वो एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए भी आते हैं, जैसे आपके घर में टीवी वगैरह आते हैं आजकल, या स्मार्ट वॉच आते हैं उसके लिए भी आते हैं. इसी तरह हमारे पास जो वेबसाइट्स है, वेब एप्लीकेशंस है, उसको डेवलप करने के लिए भी हमें कुछ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनके जरिए से हम वो लैंग्वेज सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके. तो व्हेन वी से दैट इट इज ए जनरल पर्पस, इसका मतलब है ये सिर्फ एक स्पेसिफिक डोमेन को कवर करने के लिए नहीं यूज होती है. यानी हम इसके जरिए सिर्फ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाएंगे, बाकी एप्लीकेशंस हमको इसमें नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं है. जनरल पर्पस का मतलब है हर किस्म की, जिस किस्म की भी डोमेन होगी उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो फर्स्ट वेब एप्लीकेशंस, अगर आपके आपको एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो आप वो वेब एप्लीकेशन भी जावा में डेवलप कर सकते हो. तो वेब एप्लीकेशन जैसे आप अपनी कॉलेज की वेबसाइट देखते हो या कोई और वेबसाइट है, बैंकिंग वेबसाइट है, तो ये जो वेबसाइट्स है इनको डेवलप करने के लिए भी एक लैंग्वेज लगती है. तो जावा में ऐसे फीचर्स भी है, जावा वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. देन नेक्स्ट
नेक्स्ट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन. जैसे आपके डेस्कटॉप पे डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है, इस वक्त आपके लैपटॉप पे चल रही है, उन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए भी हम जावा का इस्तेमाल करते हैं. तो जावा में हम प्रोग्रामिंग ऐसे करते हैं, इसमें ऐसे फीचर दिए हुए हैं कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाते हैं इसमें हम. देन मोबाइल डिवाइस एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड आपके पास है, एंड्रॉयड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें जितनी भी एप्लीकेशन लिखी हुई है वो किस में लिखी हुई है? जावा में. क्योंकि जो एंड्रॉयड है उसकी जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है वो जावा में ही होती है. अब रिसेंटली उन्होंने स्विच किया है, इसी जावा का एक मॉडिफाइड वर्जन बना दिया कॉटलिन, उसमें लिख रहे हैं दैट इज ऑलरेडी कंपैटिबल विद जावा. तो जावा ही हम यूज करते हैं किसके लिए? मोबाइल एप्लीकेशन लिखने के लिए. इससे पहले सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए आता था वो भी इसी जावा में हम लिखते थे. देन वी हैव सम एम्बेडेड सिस्टम्स. जैसे आपके पास स्मार्ट वॉच है, जैसे आपके पास कोई डिवाइस है, जैसे टीवी सिस्टम है या कोई वीसीआर सिस्टम आता था, ऐसे सिस्टम्स के लिए भी हम क्या करते थे? जावा में हम प्रोग्रामिंग लिख सकते. तो दिस इज द डेफिनेशन व्हेन वी से दैट जावा इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो जनरल पर्पस का मतलब क्या है? जनरल पर्पस का मतलब है जिसमें हम वाइड वैरायटी ऑफ डोमेन्स के लिए एप्लीकेशन लिख सकते हैं. एक ही लैंग्वेज को यूज करेंगे और इन सम सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं. तो ऐसा पॉसिबल नहीं था दूसरी लैंग्वेजेस में. जैसे आपने सी देखा होगा या कोई और लैंग्वेज देखी होगी, C++, तो उसमें इतनी जनरलिटी नहीं थी, इतनी जनरल पर्पस नहीं थी जैसे ये लैंग्वेज क्रिएट की गई. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो अपने आपको अनम्यूट करो, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन. इन बिटवीन अगर कहीं पे भी आपको क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो. देन नेक्स्ट डेफिनेशन में था जनरल पर्पस के बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. सो व्हाट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज? प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है द ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास जो कंप्यूटर है उसको रन करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डिफरेंट किस्म के हैं. जैसे आपके जो सिस्टम होगा, आपका जो डेस्कटॉप या लैपटॉप होगा, मोस्टली उसमें आपको विंडोज का प्लेटफॉर्म होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. लेकिन हमारे पास सिर्फ यही प्लेटफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है. तो जावा में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, क्या वो एप्लीकेशन उन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन करेगी? अगर वो रन करती है, वहां पे चलती है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, देन वी से दैट इट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. सो सॉफ्टवेयर दैट कैन रन ऑन ए वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का मतलब है डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन्स है हमारे पास, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है हमारे पास, जितने भी आर्किटेक्चर्स है, तो उन सब पे हम एक बार प्रोग्राम लिखेंगे और कहीं पे भी रन. दैट इज जो उनकी टैग लाइन थी जावा की, राइट वंस रन एनीवेयर वोरा. ये उनकी टैग लाइन है कि आप एक बार प्रोग्राम लिखो किसी एक मशीन पे, देन यू कैन रन इट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, यू कैन रन इट ऑन एनी हार्डवेयर, यू कैन रन इट ऑन एनी सॉफ्टवेयर. जावा का जब हम आर्किटेक्चर देखेंगे, हम देखेंगे इसमें वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल होता है रन करने के लिए. तो उसकी वजह से इसमें ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव हो जाती है. तो जैसे हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर आपने मैक पे लिखा है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी वो प्रोग्राम चलेगा विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. ऐसे ही आपके पास लिनक्स है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे हमारे पास विंडोज है, तो उस पे भी हम इसको रन कर सकते हैं. देन वी हैव एप्पल. एप्पल की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक मशीन जो आती है, मैकबुक जो आती है, तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम विंडोज, उस पे भी हम इसको रन कर सकते हैं. इसी तरह अगर नीचे से आर्किटेक्चर हार्डवेयर डिफरेंट होगा, आपकी इंटेल की मशीन है, आपकी एएमडी एथलॉन की मशीन है या कोई और मशीन है, तो जहां पे भी आप चाहोगे वहां पे ये प्रोग्राम रन हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस का है, मैंने अपने इस सिस्टम पे प्रोग्राम लिखा जावा का, इसको मैंने कंपाइल किया, अब ये रन कहां पे होगा? एनीवेयर. आई डोंट नीड टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एग्जीक्यूटेबल फाइल. किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए मैं फाइल
नहीं बना सकता या मुझे उसी की जरूरत ही नहीं है, मैंने एक बार प्रोग्राम लिख दिया, नाउ आई कैन रन इट ऑन वराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट इज इट इज अ कंकरेंट लैंग्वेज. सो व्हाट इज अ कंकरेंट लैंग्वेज? कंकरेंट का लैंग्वेज का मतलब है अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर जो मेन कोर आपकी मशीन का होता है सिस्टम में वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है? इट इज एन एग्जीक्यूटिंग डिवाइस. ये आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, आपकी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा है. जैसे हमारा ये जूम की एप्लीकेशन इस वक्त चल रही है या ये जितनी भी एप्लीकेशन हमारी चल रही है, तो ये एप्लीकेशन जो चल रही है इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन करते हैं. और जब हम एक ही प्रोग्राम को रन करते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट थ्रेड्स, उसके डिफरेंट एग्जीक्यूशन पाथ्स बन जाते हैं. ये जब हम मल्टी थ्रेडिंग पे आ जाएंगे तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा जब हम इसके प्रोग्राम्स करेंगे कि मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम हम कैसे बनाते हैं. तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है मैंने एक ही प्रोग्राम बना दिया और इसी प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है जो एट अ टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने वर्ड खोल दिया, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया, आप उसमें आप टाइपिंग कर रहे हो. अब एक तरफ से आप टाइपिंग कर रहे हो ये भी चल रहा है, एट अ टाइम आप इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हो वो भी चल रहा है, एट अ टाइम पीछे से कोई ग्रामर चेकर है वो भी इसी प्रोग्राम में वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है. दीज आर ऑल कंसिडर्ड एज सेपरेट थ्रेड्स. तो ये अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं. तो दैट इज व्हाट इज कंकरेंट. One which uses the concept of simultaneously executing processes at a time. एक process, दो processes, चार processes, इससे पहले ये possible नहीं था. तो multi-threaded concept इन्होंने इसमें दे दिया कि हम threads कर सकते हैं, एक ही program में हम different execution paths create कर सकते हैं जो at a time चलेगी. तो ये भी possible है Java में. तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग जिसको हम कहते हैं एट अ टाइम चल रही है, एक ही प्रोसेस में डिफरेंट पाथ्स चल रही है, थ्रेड चल रही है. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये अगर हमारी एक प्रोसेस है, एक प्रोग्राम है, तो इसमें हम डिफरेंट एग्जीक्यूशन पोर्शंस क्रिएट करते हैं जिनको हम थ्रेड्स कहते हैं. ये थ्रेड्स एट अ टाइम चल रही होती है, डिफरेंट टाइम शेड्यूलिंग इनकी होती है. या अगर हमारे पास जो प्रोसेसर है मल्टी कोर है उसमें डिफरेंट कोर्स है, जैसे आजकल i7 आता है, i9 आता है, i5 आता है, उसमें डिफरेंट कोर्स होते हैं. अगर आपका i3 है तो उसमें चार कोर्स है, चार एग्जीक्यूशन यूनिट्स है और चार के चार एट अ टाइम चार प्रोग्राम्स को, चार थ्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो जावा में एक ऐसी कैपेबिलिटी थी कि हम इसमें ऐसा प्रोग्राम लिख सकते थे, लिख सकते हैं कि जिसके जरिए हम इस प्रोग्राम को एट अ टाइम मल्टी प्रोसेसिंग कर सकते हैं या एक ही प्रोग्राम के डिफरेंट पोर्शंस को एट अ टाइम एग्जीक्यूट. That is called concurrent. Then another very important feature, that is fast. A programming language should be fast. Fast in execution, it should be fast in development. So this language is very fast. So it is almost indistinguishable from C++. जैसी स्पीड हम C++ में अचीव करते हैं ऑलमोस्ट वैसी ही स्पीड हमें जावा में भी मिल जाती है और बहुत सारे फीचर्स इसके एडिशन भी मिल जाते हैं. तो आप जानते हैं कि सी जो है इसको मिडिल लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जो कि बहुत ही क्लोज है असेंबली लैंग्वेज के. और जितनी लैंग्वेज क्लोज होगी मशीन के उतनी वो फास्ट होगी. जैसे अगर हम मशीन लैंग्वेज में डायरेक्टली प्रोग्राम लिखेंगे तो वो फास्टेस्ट होता है क्योंकि उसको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रोसेसर डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर देता है. इसके बाद हम असेंबली लैंग्वेज पे जाते हैं, वी रिक्वायर वन ट्रांसलेशन फ्रॉम असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, तो थोड़ा टाइम लगता है. उसके बाद हाई लेवल पे जाते हैं सी लैंग्वेज पे, तो फर्स्ट वी नीड टू कंपाइल आवर प्रोग्राम इनटू असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट कोड में जाता है तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है. लेकिन सी, ये जो जावा है, इट इज वेरी फास्ट लैंग्वेज, जैसे इक्विवेलेंट टू द सी एंड सी प्लस प्लस. तो इसमें फीचर्स बहुत सारे आ गए लेकिन स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा. तो देन वी हैव वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस लैंग्वेज, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. अब इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे हम एक पूरा लेक्चर देंगे. ऊफ होता क्या है और ऊफ के फीचर्स क्या होते हैं, ऊफ के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो हमें जरूरी समझना है. अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने C++ में वो नहीं समझे है तो यहाँ भी हम उनको पूरा कवर करेंगे. ड्यू टू पैंडेमिक आपको टाइम नहीं मिला, क्लासेस सीधी नहीं हुई, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है,
क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो फीचर्स क्या है, वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, इसमें ऊप में क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, एनकैप्सुलेशन क्या होती है, डिफरेंट टर्म्स है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ये सारी हम सीखेंगे, इस पर हम प्रोग्राम्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें इतना समझना है कि ऊप इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या है, इट इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। पैराडाइम क्या होता है, वे ऑफ प्रोग्रामिंग। जैसे आप सी में प्रोग्राम जब लिखते हो तो आप क्या करते हो, दैट इज अ पैराडाइम। वहां पे हम मोस्टली फोकस देते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं किसमें, डिफरेंट फंक्शंस। और जैसे आप मेन फंक्शन लिखते हो, उसके बाद आपको कोई फंक्शन, जैसे आपको फैक्टोरियल निकालना है तो आप फैक्टोरियल के लिए एक सेपरेट से फंक्शन लिखते हो, तो वो फंक्शन डिवाइड कर दी। उसके बाद आपको कोई और प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन लिखते हो। तो वहां पे जो है, दोज आर, दैट इज ए वन काइंड ऑफ पैराडाइम, जिसमें हम मेन फोकस किस पे देते हैं, फंक्शंस पे, प्रोसीजरल, प्रोसीजर्स हम लिखते हैं, जिसको हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। लेकिन ऊप इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब ऊप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर हम सॉफ्टवेयर का बनाते हैं, अपने प्रोग्राम का बनाते हैं, लेकिन हमारा फोकस जो होता है वो सिर्फ इन फंक्शंस पे नहीं होता है। हमारा फोकस जो होता है, दैट इज ऑन सिंपल रियूजेबल पीसेस ऑफ कोड, जो कि ब्लूप्रिंट्स हमारे पास होते हैं, जिनको हम क्लासेस कहते हैं। हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं और फिर उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, और वही ऑब्जेक्ट्स रन होते हैं, वही ऑब्जेक्ट्स मेमोरी होल्ड करते हैं, वही ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, मैसेज पासिंग करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे मैं ब्रीफ बता रहा हूँ और एक सेपरेट लेक्चर ऊप पे होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, तो ये कार है, फॉर एग्जाम्पल कार, हमें कार के लिए सॉफ्टवेयर लिखना है। अब ये कार एक ऑब्जेक्ट है, दुनिया में कितनी कारें हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्स, बहुत ज्यादा है, हम काउंट नहीं कर सकते कितनी कार्स है। अब एक कार जो है, एक क्लास क्रिएट करते हैं हम कार का। अब इस कार के अपने कुछ एट्रीब्यूट्स है, इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे ह्यूमन, ह्यूमन की अपनी प्रॉपर्टीज है, इसका कलर है, इसका वेट है, इसकी लेंथ है, बहुत सारे फीचर्स है। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कार का एट्रीब्यूट क्या है, कलर कौन सा है, ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इसका नंबर कौन सा है, इसमें इंजन कैपेसिटी कितनी है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी कितनी, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे दो चार मेंशन किए हुए हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, हम इन पे फोकस करते हैं, इनके लिए डिफरेंट वेरिएबल्स बन जाते हैं, फिर मेमोरी एलोकेट होती है ऑब्जेक्ट्स में। देन देयर आर सम मेथड्स एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट। जैसे कार के रिलेटेड हमारे पास जो मेथड्स है, इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, हम इसको रिपेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको पार्क कर सकते हैं। ये फंक्शंस है, ये मेथड्स है एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है हर कार के साथ, ये सारे ऑब्जेक्ट्स। अब मैंने एक कार लाई, मैं कार अपने लिए क्रिएट कर रहा हूं, मेरी कार के कुछ एट्रीब्यूट्स है, मैंने जो कार खरीदी वो रेड है, ठीक है, उसका जो ब्रांड है दैट इज रॉज, उसका जो मॉडल है, जो चार्जर है, जो भी होगा, तो ये एक कार बन गई, मेरी कार, दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ दिस कार। तो इस कार में भी वही फीचर्स होंगे, वही मेथड्स होंगे जो कि इस ओरिजिनल क्लास में क्रिएट होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्लासेस क्रिएट करते हैं, दैट इज ए ब्लूप्रिंट, दैट क्रिएट इज मॉडल, ये एक मॉडल है हमारे पास। और फिर जब हम इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, इंस्टेंसेस जिनमें हम एक्चुअल डेटा भरते हैं, कार तो कोई भी कार होगी, अब मेरी एक कार है, मेरी एक कार है और उस कार के रिलेटेड मुझे इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं, सो वो क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट्स माय ऑब्जेक्ट। तो पूरी ऊप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम क्लासेस पे फोकस करते हैं, देन उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, एक्चुअली जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम कोड वो ये ऑब्जेक्ट होता है। इसमें मेथड्स भी होते हैं जैसे हमारी प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में होते हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरी कोई कार है किसी और की, वो ब्लू है, निसान की है, अल्टिमा ब्रांड है उसका मॉडल है, तो उस पे भी ये मेथड्स अप्लाई हो जाएंगे। So this way we create different kinds of classes, then objects and then interaction between these classes and objects. और इसके साथ साथ बहुत सारे concepts associate हो जाते हैं इस group के।
तो वो हम बाद में देखेंगे. सो नाउ हियर क्लास, व्हाट इज अ क्लास? इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट ब्लूप्रिंट. ये एक डिजाइन है हमारे पास टू क्रिएट मोर स्पेसिफिक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, जिससे हम बाकी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. जो कार है हमारे पास एक डिजाइन है. अब मेरी कार है वो उसी डिजाइन के जरिए से बनी हुई, उसकी एक इंस्टेंस है. सो दोज आर कॉल्ड इंस्टेंसेस. तो यहां पे आप देखोगे क्लास टेम्पलेट्स आर यूज्ड एज ब्लूप्रिंट्स टू क्रिएट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स. इससे हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं विच आर द रन टाइम एंटिटीज. एग्जीक्यूट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो इंटरेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो C++ जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज थी उसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे, वैसे ही जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. और इसमें हम ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, क्लासेस पे काम करते हैं, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एसोसिएटेड है दीज क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ. जैसे इनहेरिटेंस है, जैसे कोई फादर है उसका बच्चा है और वो बच्चा कुछ प्रॉपर्टीज कुछ एट्रीब्यूट्स अपने फादर से इनहेरिट करता है. जैसे उसका कलर, किसी बच्चे को हम कहते हैं कि ये बाप की तरह है, इसकी आंखें फला माँ की तरह है इसकी, ये तो ये क्या है, ही इज एक्वायरिंग सम एट्रीब्यूट्स. तो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम फिर अप्लाई करते हैं. इसी तरह यहाँ पे हम डेटा को हाइड करते हैं, डेटा हाइडिंग हम कहते हैं. एनकैप्सुलेशन हम कहते हैं, बंद कर देते हैं डेटा को विद इन द क्लास विद इन द ऑब्जेक्ट. तो ये कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे. फिलहाल ये एक और फीचर है इस डेफिनेशन में जो जावा की है. नाउ these were some of the features. There are few more. मसलन syntax. इस language का syntax क्या है? Language का syntax, क्योंकि उस वक्त जो जब 90s में ये language बनाई गई, mid 90s में, उस वक्त जो famous language थी throughout the world, that was C and C++. तो अगर ये ऐसी language create करती जिसका structure, syntax totally C और C++ से different, तो शायद ये इतनी famous ना हो जाती, शायद लोग इसको इतना जल्दी अडॉप्ट ना कर पाते. तो उन्होंने क्या किया अडॉप्टेशन के लिए, ताकि लोग जल्दी से इसको इस लैंग्वेज को एक्वायर करें, इसको यूज करें, उसके लिए उन्होंने इसका सिंटैक्स जो है दैट वाज केप्ट सिमिलर टू C++. जो हमारे पास सी लैंग्वेज है, C++ लैंग्वेज है, वैसा ही सिंटैक्स इसके लिए क्रिएट किया गया. तो सिंपल सिंटैक्स है इसका. वी से दैट दिस लैंग्वेज इज सिंपल, सिंपल इन टर्म्स ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स. इसमें जो कॉन्सेप्ट्स है बहुत ही इजी है, जो C++ से डिफरेंट है. ये बहुत ही सेफ लैंग्वेज है. तो ये सेफ लैंग्वेज है, वो भी हम देखेंगे क्यों सेफ है. अगर आप लोगों ने सी पढ़ा होगा, C++ पढ़ा होगा, आप अगर किसी भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से कहोगे सी और C++ में सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है, तो एक ही आवाज में वो बोलेगा पॉइंटर्स. आपने खुद पॉइंटर्स पढ़े होंगे C++ में. पॉइंटर्स बहुत ही डिफिकल्ट होती है. क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्टली डील करते हैं विद द मेमोरी लोकेशंस. इन्होंने क्या किया, इस लैंग्वेज को जावा को सिंपल बनाने के लिए दे रिमूव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर्स. देयर आर नो पॉइंटर्स, यहां पे पॉइंटर्स है ही नहीं, तो सिंपल बना दिया. इसी तरह जो C++ थी उसमें जब हम किसी ऑब्जेक्ट या क्लास के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं, देयर वी नीड टू एक्सप्लिसिटली फ्री दैट मेमोरी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स हो सकती है. क्योंकि जो जावा बनाई गई थी इसका टारगेट था वो डिवाइसेस जो कि हैंडहेल्ड डिवाइसेस है, एम्बेडेड डिवाइसेस है, उनके लिए बनाया गया था. तो यहाँ पे मेमोरी का खास ख्याल रखा गया. तो इन्होंने ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन इसमें रख दिया. आपने जब कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, अगर ये स्कोप के बाहर जाता है, अब नो लॉन्गर यूज हो रहा है, इसकी मेमोरी ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है. तो सेफ बना दिया इसको, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती कि कोई मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी चला जाएगा, जिस ऑब्जेक्ट को मैं अब एक्सेस ही नहीं कर रहा हूँ, जिस वेरिएबल को मैं अब एक्सेस ही नहीं कर रहा हूँ, वो मेमोरी उसकी जो है वो फ्री ऑटोमेटिकली हो जाती है. देन देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज सिक्योर. अब जावा क्यों है सिक्योर, ये जब इसका हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे देन यू विल नो व्हाई जावा इज सिक्योर. जावा में क्या कॉन्सेप्ट है, जावा में एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है विच इज कॉल्ड वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन क्या है, जो आपकी फिजिकल मशीन है, आपका जो प्रोसेसर है CPU, उसके ऊपर एक लेयर हम क्रिएट करते हैं, जिस लेयर में जावा का कंपाइल्ड कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, जिसको हम वर्चुअल मशीन कहते हैं. जहां जहां पे भी, जिस डिवाइस पे भी वो वर्चुअल मशीन होगी, वहां पे इसका कोड एग्जीक्यूट. अब क्योंकि एक सिक्योर एनवायरमेंट में एग्जीक्यूट हो रही है, VMware के बाहर ये इसका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, देन इट इज कंसिडर्ड वेरी सिक्योर. So we can securely download and spread, or we can transfer these programs throughout the world securely, because ये बहुत ही secure programs होते हैं.
देन वन मोर कॉन्सेप्ट जो इस जावा के साथ रिलेटेड है दैट इज रिच एपीआई स्टोर. व्हाट इज एन एपीआई? एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. तो इस जावा में इन्होंने क्या किया, ए लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी वाज प्रीबिल्ट. बहुत सारी फंक्शंस कोड उसके क्लासेस लिखे गए, प्रोग्रामर्स ने खुद लिख के दे दिए और उनका एक नाम रख दिया. जैसे हमारे पास फंक्शन होती है, उस फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं. वी आर एबल टू यूज दोज एपीआईज. जैसे आपको नेटवर्क को एक्सेस करना है, नेटवर्किंग के रिलेटेड बहुत सारी फंक्शंस लिखी हुई है. आपको नेट के साथ कनेक्ट करना है, आपको डेटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, कोड लिखा हुआ है. यू कैन यूज दोज प्रोग्राम्स, यू कैन यूज दैट फंक्शनैलिटी. तो इनका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज यू फोकस ऑन लॉजिक. आपका जो अपना लॉजिक है उस पर फोकस करो, जो प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है उसको यूज करते हुए. आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी दी गई है, आपको उसके लिए यू डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील. आपको फिर से ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट. आप देखोगे थाउजेंड्स ऑफ एपीआईज लिखी हुई है डिफरेंट फील्ड्स के रिलेटेड. नेटवर्किंग के रिलेटेड आपको करना है, आपको मेमोरी के रिलेटेड, फाइल लोकेशन फाइल के रिलेटेड, ऑपरेटिंग के रिलेटेड बहुत सारी फंक्शनैलिटीज लिखी गई है, वो आप यूज कर सकते हो. जैसे आपको इमेज एडिटिंग करनी है, आप अपनी प्रोग्राम में कोई इमेज एडिट करना चाहते हो, उस इमेज एडिटिंग के रिलेटेड बहुत सारी कोड लिखा हुआ है, आपको यू हैव टू जस्ट यूज दैट कोड. तो दोज आर कॉल्ड एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. यू हैव टू अवेल दोज. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए फंक्शन का नाम क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या है और इसका रिटर्न वैल्यू क्या आता है. तो देन यू कैन यूज दैट. हम देखेंगे जब हम कोडिंग पे जाएंगे. और गुड न्यूज यहाँ पे यह है, दिस जावा इज फ्री. सो दिस जावा इज फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फ्री ऑफ कॉस्ट का क्या मतलब है? फ्री ऑफ कॉस्ट है जो लैंग्वेज है वो आपको फ्री मिल रही है. लैंग्वेज के डिफरेंट फीचर्स आपको फ्री मिल रही है. नॉट ऑनली फ्री, इट इज ओपन सोर्स. ओपन सोर्स का मतलब है आपको लैंग्वेज के साथ साथ उसका कोड भी मिल जाता है जो डेवलपर्स ने लिखा है. यू कैन मॉडिफाई दैट, यू कैन यूज दैट द वे यू लाइक. तो ये फ्री लैंग्वेज है हमारे पास, ये एक और फीचर है इसका. अब मैं सम अप करता हूं इसके सारे फीचर्स यहाँ पे जल्दी जल्दी. सो पहला फीचर क्या है? इट इज सिंपल, क्योंकि बहुत ही सादा लैंग्वेज है ये. इसमें ना पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट है, गार्बेज कलेक्शन होती है, और इसका जो सिंटेक्स है दैट मैचेस विद द सिंटेक्स ऑफ सी सी प्लस प्लस. ऊप है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. वो कॉन्सेप्ट इसमें जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ऊप देन इट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. चाहे विंडोज हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम उस पे इसके प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं. राइट वंस, रन एनीवेयर. देन इट इज सिक्योर, क्योंकि वीएमवेयर का यूज हो रहा है, वर्चुअल मशीन का यूज हो रहा है, तो इट इज सिक्योर. देन इट इज कंसिडर रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रांग. दिस लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ एक लैंग्वेज का वीक करते हैं वो कॉन्सेप्ट निकाल दिए गए. जैसे मैंने अभी कहा पॉइंटर्स, तो पॉइंटर्स डेंजर क्रिएट करते थे एक लैंग्वेज में. जैसे गार्बेज कलेक्शन, वो डेंजर क्रिएट किया करते थे, इन्होंने वो निकाल दिया. ये बहुत ही स्ट्रांग लैंग्वेज बन गई. देन इट इज पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब क्या है? मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिखा, उठा के दूसरे मशीन पे ले गया, वहां पे ऑटोमेटिकली, वहां पे सिर्फ वीएमवेयर होना चाहिए, जेडीके जावा रन टाइम होना चाहिए, वो रन हो जाएगा. देन वी से दैट इट इज आर्किटेक्चरल न्यूट्रल. आर्किटेक्चर का मतलब है जो मशीन नीचे से है, चाहे इंटेल की है, चाहे एएमडी की है, चाहे किसी और मैन्युफैक्चर की है, तो उस पे भी ये चल जाता है ये प्रोग्राम. देन इट इज इंटरप्रेटेड. यहाँ पे जो कंपाइलेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट है सी और सी प्लस प्लस से. यहाँ जब हम प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं, वो मशीन लैंग्वेज में जो हमारा सोर्स कोड है वो डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं होता है. उसको हम एक इंटरमीडिएट कोड में, जिसको हम बाइट कोड कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं. उसके बाद एक इंटरप्रेटर आता है, जिट जस्ट इन टाइम इंटरप्रेटर, तो वो वीएमवेयर में उसको कन्वर्ट रन कर देता है उस कोड को. देन वी से दैट इट इज मल्टीथ्रेडेड. तो मल्टीथ्रेडेड का मतलब क्या है? एक ही प्रोसेस के डिफरेंट एग्जीक्यूशन थ्रेड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, एट अ टाइम रन हो जाते हैं, वैसे प्रोग्रामिंग इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं. So these were some of the features of Java. Now Java uses statistics. Where is Java used? अगर आप देखोगे ये statistics है, 97% of the enterprise desktops run Java. जो 99% है वो Java को run करते हैं. 89% systems पे इस वक्त Java run हो रहा है. Java ये top choice है, top most developers जो throughout world है Java को use करते हैं.
इट इज करंटली रनिंग ऑन 1 बिलियन कंप्यूटर्स, 10 करोड़ कंप्यूटर से भी ज्यादा पे चल रहा है, 3 बिलियन मोबाइल फोन पे रन हो रहा है, 3 बिलियन डिवाइसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। कौन सा रन कर रहे हैं? जावा को रन कर रहे हैं। 100% जो भी ब्लू रे डिवाइसेस आप जानते होंगे, डीवीडी जो हमारी है उसका एक एडवांस्ड वर्जन है 2000 काल ब्लू रेज, उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ब्लू रे डिस्क जिनके जरिए शिप हो जाती है, जो बड़ी मूवीज 8, 10, 16 GB की बहुत सारी होती है, वो इसी के थ्रू होती है। उनके जो प्लेयर्स है वो जावा से बने हुए, जावा को रन करते हैं। देयर आर अराउंड 5 बिलियन जावा कार्ड्स इन यूज, जो आपके पास बैंक कार्ड्स है जो आप स्वैप करते हो किसी भी शॉपिंग पे शॉप पे, तो वो डिवाइसेस जो है वहां पे भी जावा चल रहा है। जो टीवी आपके पास है, जो स्मार्ट टीवी आपको आ रहे हैं, 125 मिलियन टीवी डिवाइसेस इसको यूज कर रहे हैं जावा को। तो 5 जो टॉप वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जिसमें बॉश, डेंसो, मैग्ना है, ये क्या रन कर रही है? दे आर यूजिंग जावा। सो दिस इज हु इज यूजिंग जावा। दीज आर सम ऑफ द फेमस कंपनीज इन द वर्ल्ड, जैसे गूगल, आपका जो जीमेल है, दूसरी वो बैकएंड पे ज्यादा से ज्यादा जीमेल को यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स, ये भी उबर है, इंटेल है, एप्पल है, लिंक्डइन है, ईबे है, अमेजॉन है। इसके साथ साथ बहुत सारे ओपन सोर्स जो प्लेटफॉर्म्स है, ओपन सोर्स जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है, जैसे हडूप है जो कि बिग डेटा के काम आता है, अपाची का सोलर है, या स्लैक है, ये भी इसको यूज करते हैं। इवन नासा जो डिवाइसेस या जो इक्विपमेंट स्पेस के लिए बनाता है, उनमें भी वो जावा को यूज करते हैं। तो अब मैं जल्दी से हिस्ट्री को वाइंड अप करता हूं, क्योंकि हमारे पास जस्ट 5 मिनट्स है। वी आर यूजिंग द वाइज एप्स फ्री एक्सेस जो इसकी ऐप का है, तो उसमें सिर्फ 5 मिनट है। मैं जल्दी जल्दी अब हिस्ट्री को वाइंड अप करता हूं 5 मिनट में। सो हिस्ट्री जो स्टार्ट होती है, जावा किसने क्रिएट किया? सन माइक्रोसिस्टम्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, वैसे ही सन है। ये 80s में इन्होंने सिस्टम्स बनाते थे, बहुत ही फेमस थी, जो कि यूनिक सिस्टम्स है वो क्रिएट करते थे। अब इस जो ये सिलिकॉन वैली जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे हम ये डिवाइसेस बनाते हैं, सिलिकॉन के रैम वगैरह जो हमारी सिलिकॉन की होती है, उसको हम सिलिकॉन वैली कहते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड आइटम्स। तो इस सिलिकॉन वैली की एक कंपनी थी ये माइक्रोसॉफ्ट। अब इन्होंने क्या किया, 91 में इन्होंने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जिसको हम ग्रीन टीम कहते हैं, जिसका नाम रखा इन्होंने 91 में इन्होंने क्रिएट किया। इसका मकसद क्या था, ये चेक करना चाहते थे कि अगर आज तक यूनिक्स हमारी मशीन चल रही थी, इस पे नेक्स्ट ट्रेंड किसकी है, जो कंप्यूटिंग पावर है फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाएगा, ताकि हम उसके लिए बिफोर हैंड प्रिपरेशन करके रखें। तो इसके लिए इन्होंने एक ग्रीन टीम कॉन्स्टिट्यूट किया। अब इस टीम को हेड कर रहा था जेम्स गोसलिंग जो है, ये भी जिंदा ही है शायद ये, और इसके साथ और दो थे जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, माइक शेडन एंड पैट्रिक नॉटन, तो ये उसके साथ थे। इनको ये जिम्मेदारी दी गई, ये हेड था इस ग्रीन टीम का, कि आप चेक करो कि फ्यूचर में किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी। देन दे कम अप विद ए कॉन्सेप्ट, एक लैंग्वेज इन्होंने क्रिएट कर दी। उन्होंने कहा कि आगे इन्होंने कॉन्सेप्ट में दिया था, जो इन्होंने रिपोर्ट दिया कि आगे जाके जो डिवाइसेस है, जो हमारे पास VCR, VCS, ऐसे कुछ डिवाइसेस है, पोर्टेबल डिवाइसेस, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, एम्बेडेड डिवाइसेस, इनकी डिमांड बढ़ने जा रही है। तो इन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया, उसके लिए इन्होंने एक लैंग्वेज क्रिएट कर दी, और फर्स्ट जेम्स गोसलिंग ने उसका नाम रख दिया इस लैंग्वेज का, ग्रीन टॉक। पहले इसने अपनी मर्जी के मुताबिक इसका नाम रखा था ग्रीन टॉक, और आज जो हम एक्सटेंशन इसका रखते हैं डॉट जावा है, पहले उसने GT रखा था। अब ये इनिशियली डिजाइन की गई थी एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, जो VCR थे, VCS थे, जो हमारे पास केबल सिस्टम उस वक्त था, उसके लिए उन्होंने क्रिएट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा इसी का फ्यूचर आने वाला है। तो देन व्हाट हैपेंड, तो उसके बाद अब डिस्कशन के बाद जो बाकी टीम है उसके साथ भी इन्होंने इसका ऑफिशियली फिर नाम रखा, पहले ओक, जो ओक है वो ट्री एक है, तो इस ओक पे इसका नाम रख दिया। अब ये ओक क्या है, अब ओक जो है, दे कंसिडर इट द वेस्टर्न कंट्रीज, दे कंसिडर इट द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। इसीलिए आप देखोगे तो इसीलिए आप देखते हो कि जो नेशनल ट्री है USA, फ्रांस, जर्मनी, इनका ये इन्होंने ओक ही रखा है, ओक ट्री, क्योंकि वो कंसिडर करते हैं इसे सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि
एक उस वक्त कंपनी थी, उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया था ओक नाम के लिए, ओक टेक्नोलॉजीज, तो दे कुड नॉट, ये जो कॉपीराइट इसका होता है, जो अपना सिंबल होता है, तो ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क उसका ऑलरेडी था उस वक्त ओक टेक्नोलॉजीज का. देन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द जावा. फिर उन्होंने कहा नहीं, अब इसका नाम हम रखेंगे जावा. अब जावा क्यों नाम रखा इसका, क्योंकि जो जावा है इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जहां पे वर्ल्ड की फर्स्ट जावा कॉफी बनी थी, जो कॉफी हम पीते हैं उन्होंने वो कॉफी बनाई थी, उसका नाम था जावा कॉफी. तो ये इनके मुताबिक, इनके बयान के मुताबिक वो बोलते हैं कि हम डिस्कस ही कर रहे थे कि हम इसका नाम क्या रखेंगे, इन्होंने डिस्कशन में बहुत सारे नाम रखे थे, तो वहां पे जो कंसेंसस हुआ वो हुआ इसी पे जावा. एक तो ये यूनिक था, मे बी उस वक्त उन्होंने लिखा है कि हम जावा ये चाय ही पी रहे थे, कॉफी पी रहे थे, तो उन्होंने कहा ये यूनिक नाम भी है तो इसका नाम जावा ही रखते हैं, तो ये फिर इसका नाम पड़ गया जावा. देन द फर्स्ट जावा डेवलपमेंट किट वाज रिलीज्ड इन जनवरी 23rd 1996 में फर्स्ट जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, जो हम देखेंगे वो क्या होता है, एक टूल होता है, प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए से हम जावा प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो जेडीके वाज रिलीज्ड इन 23. तो नाउ करंटली अगर आप देखोगे इस वक्त जावा 15 चल रहा है, इसका वर्जन 15 चल रहा है, जो इस वक्त ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो. तो इट्स, दिस वाज द ब्रीफ जर्नी ऑफ जावा. तो ये जावा की ब्रीफ जर्नी थी. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इन बिटवीन, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टॉप, क्योंकि हमारे पास लेस देन 1 मिनट है, हमारे पास 40 मिनट की ही लिमिट है इसमें, जो कि हम वॉइस ऐप के थ्रू ऑनलाइन चैटिंग करते हैं. अपलोड किया.